वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसे छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। मित्रों, एक बार एक बौद्ध महात्मा आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर कुछ प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। अच्छे विचार जब उसके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वह अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन वहीं पर अगर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उससे उसका पतन होता है। तभी उन्हीं में से एक राजवंत नाम का शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है कि गुरुवर, क्या कुछ ऐसा तरीका आप बता सकते हैं जिससे कि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सके। गुरु कहते हैं कि अवश्य मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें मन पर बता रहा हूं, जिसे तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनना। तभी जाकर के हम बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने, तभी तुम सब इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ पाओगे। गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के अनुरूप हमारा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप बिल्कुल शिथिल होते चले जाते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है, आप वाकई में ऊर्जावान दिखाई देने लगते हैं। आप ये अनुभव खुद कर पाएंगे कि जब आप खुशी होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है, आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची। शरीर तो वही है आपका, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जा विहीन हो जाता है, लेकिन जब आपके विचार जोश भरे वाले होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा, यह सब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब तुम सबको मेरी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं कि मैं तुम सबको 8 तरीका बताऊंगा। अगर आप उन 8 तरीकों को अपने दिमाग में लाते हैं, वैसा ही सोचते हैं, तो यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन होने लगता है, लेकिन जब आप खुश होते हैं, आपके दिमाग में अच्छा विचार आया और आप खुश हो गए, तो आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा बहने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम वह 8 तरीका जान ले और वही हम अपने दिमाग में सोचे तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और जोश से भर जाएगा, अर्थात हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल हालातों का सामना बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है। तो सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया कि गुरु जी, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। फिर गुरु जी ने कहा कि अगर मैं यह कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या वह निकलेगा। सभी शिष्य कहते हैं कि बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा, हम उसके स्थान को उसके जगह को बदल नहीं सकते हैं। फिर गुरु कहते हैं कि मान लो बारिश का मौसम है और अगर मैं यह बोलूं कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी। शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, वह तो मौसम में बदलाव की वजह से होगा, जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश बंद हो जाएगी। फिर गुरु जी कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से यह कहूं कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है। शिष्य कहते हैं, गुरुवर आप ठीक कह रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ने लगे। ये मौसम तो प्रकृति पर निर्भर करता है, जो कि हमारे बस में नहीं है। फिर गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार अगर जो चीज हमारे वश में नहीं होती है या जो बातें घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर हम उन घटनाओं को लेकर के बार बार परेशान होते रहेंगे या उसकी बहुत ज्यादा परवाह करेंगे तो क्या हम भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं। शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर। फिर गुरु कहते हैं कि अगर तुम उन बीती घटनाओं को लेकर के बार बार चिंता में रहोगे और उस चीज की परवाह करोगे तो तुम परेशान होते चले जाओगे, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में जो घटित हो चुका है कोशिश करो उसे भुलाने की। और उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर
से मजबूत।